देखिए, जैसा कि 2019 स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चल रहा है, वहीं हम आपको आज बता दें कि इस अभियान को और तेज कर दिया गया है और यहाँ पे कुछ आधुनिक तकनीकी गाड़ी यहाँ पे मंगाई गई है और जिसका जो है फीता काटकर उन्हें रवाना किया गया है। मेयर संयुक्ता भाटिया ने इसे हरी झंडी दिखाकर इसे आगे बढ़ाया है और बताया जाता है कि यह मशीनें रात में काम करेंगी, जिससे कि यातायात प्रभावित नहीं होगा। और आपको ये भी बता दें कि इन मशीनों में एक GPRS, आधुनिक तरीके का GPRS लगा हुआ है, जो कि ये पहचान लेंगी कि कहाँ पे कूड़ा जल रहा है, कहाँ पे कोई मरा जानवर की बदबू आ रही है। इस तरीके का भी इसमें व्यवस्था लगाई गई है मशीनों में। हम आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले जो सर्वे हुआ था उसमें लखनऊ नंबर वन पर नहीं आ पाया है, हालांकि मेयर साहब लगातार लगे हुए हैं लखनऊ को नंबर वन करने के लिए। फिलहाल आज मशीनें आई हैं, उनका उद्घाटन हुआ है और मशीनों को रवाना कर दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से आज 15 तारीख है और मकर संक्रांति का दिन है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लखनऊ को साफ रखने के लिए, लखनऊ किस तरीके से स्वच्छ हो सकता है, लखनऊ किस तरह साफ हो सकता है, उसके लिए आज लखनऊ में मैकेनिकल सर्विस प्रोजेक्ट लखनऊ का शिलान्यास कर रही हैं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, जहाँ पर आपको बता दें कई सारी चीज़ें, हाईटेक चीज़ें बनाई गई हैं जो आम मशीनरी चीज़ों से अलग हैं, ताकि हमारा लखनऊ स्वच्छ दिख सके, हमारा लखनऊ साफ दिख सके और किस तरीके से हम अपने लखनऊ को एक नई पहचान दे सकें, ये भी एक बड़ी बात है बोलना इसके बीच में। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अंतर्गत इस स्कीम का शिलान्यास आज संयुक्ता भाटिया अपने हाथों से लगभग 2 बजे के आसपास करेंगी। सही तरीके, जिस तरीके से मशीनें मंगाई गई हैं, आपको क्या लगता है कि लखनऊ के प्रदूषण को रोका जा सकता है इससे? प्रदूषण भी रुकेगा और सफाई भी होगी, दोनों काम होंगे। जिस तरीके से क्लाइमेट एजेंडा जो NGO है उसने हार्ड फेफड़े लगाए हुए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा मात्र 24 घंटे के अंदर ही वो फेफड़े काले पड़ गए, इतनी प्रदूषण इस समय लखनऊ की हवा है, उसका क्या कहेंगे? हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मिट्टी की वजह से ये सब हो रहा है और मिट्टी ना उड़े, उसके लिए पूरा प्रयास है। ये जो मशीनें मंगाई गई हैं, ये एक आधुनिक मशीनें हैं जो अभी तक लखनऊ में नहीं थी, पहली बार ये मशीन यहाँ लगी है और मैंने खुद भी पहली बार इसका डेमोंस्ट्रेशन देखा है। मुझे लग रहा है कि ये हमारे लखनऊ को बहुत अच्छी तरह साफ भी करेगी और प्रदूषण रहित भी हमारा शहर होगा। जैसे पटरी दुकानदार जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं जगह जगह पर, तो उनका कहना है कि आला अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, हमें नहीं दे रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उनकी वीडियोग्राफी कराई गई है और जो पटरी दुकानदार हटाए जाएंगे, हमने पहली बार ये निर्णय लिया है कि उनको हम स्थान देंगे। अभी तक ये होता था कि पटरी दुकानदार हटाया जाता था और 5 दिन बाद 6 दिन बाद वो फिर लगा लेता था, वो दोबारा ना लगाए, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का नुकसान ना हो, इस दृष्टि से हम जगह चिन्हित कर रहे हैं और उनको उस स्थान पर। लेकिन जब तक जगह नहीं तय हो रहा है तब तक उन पटरी दुकानदारों का जो नुकसान हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, जहां हमने तय किया है वहां उनको जगह देने के बाद तय किया है, और अगर कहीं पहले किया है तो जल्दी से जल्दी उनको जगह दी है। 2-3 दिन के अंदर हमने टाइल्स लगाकर गोमती नगर में उनको जगह पहले हटा दिया था, 3-4 दिन के अंदर हमने टाइल्स लगाई है वहाँ। जैसे नगर निगम के द्वारा उनके काफ़ी नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा कहीं नुकसान नहीं हुआ, 2 दिन का अगर कहीं भी समय लगा होगा तो 2 दिन का लगा होगा, और अभी हमने जगह चिन्हित करने के बाद ही उनको वहाँ से हटाया है, और जगह जहाँ जगह चिन्हित नहीं हुई है वहाँ उनको पीछे करने को कहा है, हटने के लिए नहीं कहा है। मैम, इन मशीनों 2 दिन से ज़्यादा कहीं समय नहीं लगा है। मैम, इन मशीनों का काम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी आपने कुछ? ये अभी आज हमने डेमोंस्ट्रेशन देखा है, आज हम लोग रूट तय करेंगे, ये कब कहाँ से कहाँ तक कब क्या कहाँ जाएंगी, ये रूट तय करने के बाद फिर आपको बताएंगे। ऐसा खबर मिली है कि ये मशीनें सिर्फ रात में काम करेंगी, दिन में काम नहीं करेंगी ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो? जी, ये रात में ही काम करेंगी, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दिन में जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ भी ये काम कर लेंगी, लेकिन ज़्यादा मशीनें ये रात में ही काम करेंगी। कांकोर लखनऊ से कैमरामैन प्रियांश के साथ उज्जवल झा।